So hey everyone, hello. I welcome you all to the channel and to the session and welcome you all to the CBSE Class 10th and ACU School Board and Academy Plus by using the code SR100. Just let me know whether I'm live or not, completely visible, audible, right? So hey everyone, hello. Hi, hi Shreyansh. ये कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो? हाय जैन, यू आर नॉट लाइव. So let's get started, people, and give me a second. So let's start with it. So here is a brief introduction about myself. My name is Shivangi Rajput. I have completed my graduation from University of Delhi. I have 3+ years of teaching experience, and I am your mathematics educator. So the next thing which we have is a bugs bounty feature. So if in any video you find any content which is inappropriate, so you are free to report it. Description में आपको link मिल जाएगा, and if you are the first one to report the particular problem, you can actually claim a prize for the same. So an academy इमर्ज है आप लोगों के लिए फॉर द टर्म वन प्रिपरेशन. आपकी यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन होगी क्लास 10th की. आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको डिटेल परफॉर्मेंस आपकी रिपोर्ट मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, ऑल इंडिया रैंक्स मिलेगी, अलाइन विद द लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस आपको एग्जाम पेपर बनाया जाएगा, एंड टॉपर्स विल गेट अ फीचर ऑन द अनअकैडमी सोशल मीडिया हैंडल्स टू. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? पीपल प्लीज पार्टिसिपेट इन द इमर्ज एंड एनरोल बाय यूजिंग द कोड SR100. सो आपका ये 90 मिनट्स का पेपर होता है, हर वीकेंड पे होता है, क्लास 10 मैथ्स और साइंस के लिए होता है. स्टार्टेड फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑफ 11. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हर पेपर से पहले आप एनरोल कर सकते हो. ऑल राइट, फ्री लाइव मॉक टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे क्लास 10th और 12th के लिए फॉर योर टर्म वन फाइनल्स एग्जाम. क्लास 10th का साइंस का है 18 सेप्टेम्बर सैटरडे, एंड मैथ्स का है 19 सेप्टेम्बर संडे को. ऑल राइट, टाइमिंग आपको पता है 5 से 6:30 बजे के बीच में ये पेपर आपका होगा. फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है आपके पेपर के लिए, बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सो प्लीज इमर्ज में पार्टिसिपेट जरूर 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 करना. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक नहीं लिया है और मेरे साथ अगर अपने टर्म वन की बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो 20th ऑफ सितंबर से मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है, एंड जिसमें हम लोग टर्म वन की पूरे कोर्स कंप्लीशन कराएंगे बाय द अक्टूबर. सो प्लीज 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 यहाँ पे आपके डाउट सॉल्विंग से लेके, आपके लाइव डाउट सॉल्विंग से लेके, आपको ओपी ओपी क्वेश्चन से लेके हर एक चीज यहाँ पे करवाई जाएगी. सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप ना करो. इसकी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लो एज सून एज पॉसिबल. कोड आपको पता है SR100, SR100 इज द कोड. आपको 10% का ऑफ मेरे कोड से मिल जाएगा. यहाँ पे डेली लाइव सेशंस होंगे, आपके अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा प्लेटफॉर्म का, टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, बैच कोर्सेज के साथ साथ आपके पास यहाँ पे लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. 48 मंथ से लेकर 3 मंथ तक का प्लान है. अगर आप 24 मंथ्स का यहाँ लेते तो 2000 पर मंथ, जो कि आपका डिटेरियट हो जाएगा 928 रुपीज पर मंथ. अगर आप कोड यूज करते हो SR100, आपको स्ट्रेट अवे 10% का ऑफ मिल जाएगा. आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ मिलता है स्टडी प्लानर, यू हैव योर पेरेंट कनेक्ट, पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग एंड वीकली रिपोर्ट इज आल्सो मेंटेन. हाय मैम, प्लस में प्लीज ट्रिगो से शुरू करूँ? ओके जॉयन, ठीक है, ऑल राइट. 48 से 3 मंथ्स तक का प्लान है आपके पास. 24 मंथ्स के लिए 2000 पर मंथ, एंड आप कोड यूज करोगे तो आपको 1800 पर मंथ ये पड़ेगा. SR100 इज द कोड, सो प्लीज याद रखना सबको. ऑल राइट, EMI से आप लोग पे कर सकते हो. अगर एक साथ पेमेंट करने में कोई भी इशू है तो आप लोग छोटा छोटा अमाउंट पर मंथ पे कर सकते हो EMI ऑप्शन से. एंड फ्री स्पेशल क्लासेस हैं आपकी, कल आपकी 2-3 स्पेशल क्लासेस होने वाली है, तो मेक श्योर मैं रात तक जब लिंक भेजूंगी आपके पास स्पेशल क्लास का, SR100 कोड है, तो आप लोग टाइम से एनरोल कर लेना, एंड ताकि आप लोग कल जो है स्पेशल क्लासेस क्लास 10th की ले पाओ. ऑलराइट, रिवीजन बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप रिवीजन रिवीजन बैचेस में एनरोल कर लो. दिस इज फॉर क्लास 9th. आई एम सो सॉरी. हाँ, तो अनअकैडमी एज है आपके पास, ठीक है. अनअकैडमी एज है आपके लिए इफ यू आर टारगेटिंग जेई 2024. इफ यू बाय IIT जेई सब्सक्रिप्शन फॉर 30 मंथ्स, तो आपको यहाँ पे CBSE के 12th का 6 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, एंड इस कोर्स पे आपके लिए 14% ऑफ है. अगर आप IIT जेई CBSE के 12th के साथ कॉम्बो लेते हो 30 मंथ्स का, तो वहाँ पे आपको IIT जेई 30 मंथ, CBSE क्लास के 12, क्लास 10, 11 एंड 12 30 मंथ्स के लिए मिलेगा, और ये है 68,799 का, विच इज ऑन 22% डिस्काउंट.
ऑफ. सो प्लीज गो अहेड एंड टेक द अनअकैडमी एज. क्लास 10th के बैच में आपको टर्म 1 ऑफ बोर्ड्स के लिए एग्जाम विद टॉप एजुकेटर्स प्रिपेयर करवा जाएगा. और पूरा कोर्स जो है बाय नवंबर, ऑफ कोर्स टर्म 1 आपका नवंबर में हो जाएगा, तो बाय नवंबर आपको ये खत्म करवाया जाएगा. और बेसिक ऑफ ITJEE फ्रॉम द इंडिया टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको मिलेगा. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विल बी गाइडेड बाय द टॉप एजुकेटर्स. हाय अभिषेक, हाय सपना, हाय रोशन, हाय श्रेयांश, हाय जानवी, हाय क्रिश, हाय एवरीवन, व्हाट्स अप पीपल, हाउ आर यू गाइस डूइंग. मैम 9th वाले सेशन में आया था मैम, पर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद चला गया था और ऐसी न्यूज़ मिली कि मैं रोते रोते बेहोश हो गया. ऐसी क्या न्यूज़ मिली है? ओके, तो अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हो, अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हो बचा, तो अगर आप क्लास 9th एंड 11th 12th 4 ईयर्स का लेते हो, सो आपको यहाँ पे ऑफर प्राइस जो है कॉम्बो का 64,500 का है. ये 20th सेप्टेम्बर तक वैलिड है. नीट UG विद CBSE. और आप अगर प्लस और आइकॉनिक लेते हो तो आपको 12, 15, 18 मंथ्स के साथ 4 मंथ का CBSE सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. तो एज सून एज पॉसिबल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. आपको 10% ऑफ मेरे कोड के साथ मिल जाएगा ऑन एनी प्लस ऑफ द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर एंड लेट्स क्रैक इट. सो चलो, तो मेंटी कोड इज 9194123. पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि क्या क्या होने वाला है. आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है वो 40 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, जिसमें से आपके जो है 8 मार्क्स वो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है. तो 80 मार्क्स के आपके क्या आने वाले हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस आने वाले हैं. केस स्टडी क्वेश्चंस आपकी बेसिकली आप 2 चैप्टर से लेंड आएगी, मतलब केस स्टडी के इन टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है. क्वेश्चंस जो होंगे आपके पास 10 होंगे, 5 एक केस स्टडी के और 5 दूसरी केस स्टडी के, ठीक है. अब इन 5 में से या इन 10 में से आपके पास ओवरऑल 8 करने का जो है ऑप्शन है. तो इन 10 क्वेश्चन में से आप कोई भी 8 क्वेश्चन चूज कर सकते हो और ये एक चैप्टर के होंगे 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे चैप्टर के होंगे. तो इन शॉर्ट आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज फिक्स नहीं है कि आपकी केस स्टडी क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ जाएगी. तो आपको सारे चैप्टर्स करने जरूरी है, कंसेप्चुअल स्टडी करना जरूरी है. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर विच वी हैव गॉट बाय नाउ. तो ये उसके अकॉर्डिंग का आपका मार्किंग स्कीम है. तो इन शॉर्ट 8 नंबर आपके जो है केस स्टडी क्वेश्चन कंप्राइज करेगा, तो हमें उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है. ओके, सो हियर इज द कोड पीपल 9194123. मैं जरा टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड में. द कोड इज 9194123. 9194123. दिस इज द कोड फॉर द मेंटी. मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि हम लोग जल्दी से शुरू कर पाए. Yes, everyone. Hi, Azam. Hi. Yes, Jayan. Thanks, ma'am. Enroll कर लिया revision batch में. Batches आ रहे हैं, 3-3 batches आ रहे हैं, बिल्कुल. और क्लास 10th वाले जल्दी से 20th सितंबर से जैसे हमारा बैच लॉन्च होता है जल्दी से एनरोल कर लेना सारे के सारे, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सो प्लीज़ 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 बैचेस में एनरोल कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो. वी विल स्टार्ट विद ट्रिगो. यस, ट्रिगो से ही शुरू करवाऊंगी मैं प्लस में. तो जिन्होंने प्लस नहीं लिया है तो जल्दी से प्लीज बचा ले लो, है ना. कोड आपको पता है. आई डोंट नो कि इमोटिकॉन्स अभी क्यों नहीं दिख रहे हैं, बट दिखने लगेंगे. लेट इट बी, लेट्स वेट फॉर द थिंग एंड देन वी कैन स्टार्ट, ठीक है. सो प्लीज पीपल, 20th ऑफ सेप्टेम्बर से बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें साइंस आपको भावना मैम मैथ्स में और सोशल अनुप्रिया मैम और इंग्लिश अनुश्रुति मैम कराने वाली हैं. तो प्लीज 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 जल्दी से एनरोल कर लो. हाय शुभम, नेक्स्ट स्लाइड पे तो क्वेश्चन ही है. नेक्स्ट स्लाइड पे वी आर हैविंग क्वेश्चंस. ओके, जल्दी से ज्वाइन कर लो सब लोग. इट्स 9194123. दिस इज द कोड फॉर द मेंटी. यस राहुल, वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद इट. 9194123, दिस इज द कोड फॉर द मेंटी. पीपल क्विकली ज्वाइन इट. बट सब्जेक्टिव आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत पेपर्स में सब्जेक्टिव आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ अभिषेक कि
हम लोग, अगर आप प्लस पे नहीं हो ना अभिषेक, अभिषेक प्लस पे आ जाओ जल्दी से, ठीक है? फिर हम लोग वहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करेंगे, क्योंकि हमें वन शॉट तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ चाकू उसका, राइट? SR100 इज द कोड पीपल टू गेट द 10% इंस्टेंट ऑफ ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन. हाँ जी राहुल, यस, इट्स 9194123. हाय दीपिका, हेलो. तो पहला क्वेश्चन चलते हैं. पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए, ठीक है? इमोटिकॉन्स अभी भी नहीं दिख रहे हैं, वो दिख जाएंगे अवतार. तो पहली केस स्टडी आपके लिए ये है, ठीक है? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट केस स्टडी. इसमें क्या बोला है? द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड. क्लियरली इट इज अ पैराबोला. अब ये वर्ड पैराबोला जिसने ये सुना है, अच्छी बात है, मतलब सेशंस अटेंड किए होंगे तो बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो आपका बनता है, उसका ग्राफ हमेशा हमेशा आपके पैराबोला शेप में होता है. तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपके जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है तो उसका ग्राफ हमेशा इस शेप का बनता है, और इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, राइट? एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड 48 feet अबव द वॉटर लेवल. शी टुक अ डाइव इन टू द पूल. हर हाइट इन फीट अबव द वॉटर लेवल एट द टाइम टी इन सेकेंड्स इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल एच टी सच दैट -16t² +8t प्लस के. तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो गिवन है, राइट? हाय दीपिका, हाय सपना, कैसा हुआ इंग्लिश का पेपर आपका जानवी? हाय, ठीक है? सो ये सबने पढ़ लिया, एक बार एक्सप्रेशन को ध्यान से पढ़ लो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, राइट? चले चले पोल पे, पोल कह रही हूँ, चलो ठीक है, अच्छा हुआ, क्वेश्चंस पे चले. हाय एंजल. ओके, सो यहाँ पे वी हैव, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द वे. ओके, सो हियर आर द प्लेयर्स एंड, ठीक है, सो ओनली 18 ऑफ यू हैव ज्वाइंड इट, सो 20 ऑफ यू हैव ज्वाइंड इट. अगर अवतार चूज किए जाए तो 20 में से तो सिर्फ मैं दो चूज करने वाली हूँ, ठीक है? तो सिर्फ टू अवतार्स, आई विल बी चूजिंग ओनली टू अवतार्स पीपल, ऑल राइट? आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, क्यों, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, अवतार चूज कर रहे हैं अवंतिका. तो सबसे पहला अवतार तो है ये गुड लक लीफ, ठीक है? लेट्स चूज दिस गुड लक लीफ, क्योंकि मैंने ये आज तक चूज नहीं की है, और इस बकरी को आज चूज करते हैं कि घास बकरी खाएगी, ठीक है? तो ये दो अवतार मैंने चूज किए हैं, वन इज वोट वोट गोट एंड द नेक्स्ट इज द गुड लक लीफ. तो लीफ एंड द वोट गोट आर द टू अवतार दैट आई हैव चोजन फॉर टुडे. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? चलो ये बताओ, 0, -48, 48 या 48 बाय -16. बाय बाय दीपिका, क्यों जा रही हो वैसे, कहाँ जा रही हो, कितने, वेयर आर यू गोइंग? चलो इसका आंसर करो सब लोग जल्दी से. नेट स्लो है आपका, इसका आंसर करो सब लोग. इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. इनिशियल लेवल पे अगर मुझे वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट करनी है तो मेरा टी कितना हो जाएगा, टेल मी. अगर इनिशियल लेवल पे मेरी हाइट कितनी हो जाएगी और मेरा टी कितना हो जाएगा, एच विल बी इक्वल्स टू वॉट? तो यहाँ पे 48 इज द करेक्ट आंसर, 48 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 6 ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. देखो अगर मैं आपको बताऊं कि होगा कैसे, इस केस स्टडी पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला है कि वो जो है 48 feet अबव द वाटर लेवल खड़ी थी, ठीक है? तो हाइट उसकी, जब अभी इनिशियली अगर मैं बात कर रही हूँ टाइम टी की, तो इनिशियली जब मुझसे क्या पूछा है इस के की वैल्यू, तो मेरा टी की वैल्यू वहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि मुझसे क्या पूछा
वैल्यू ऑफ के पूछा ऑन द वेरी इनिशियल लोड, ठीक है, तो मेरे यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, एंड मेरी हाइट वहाँ पे कितनी होगी, 48 feet, क्योंकि वो 48 feet अबव द वाटर लेवल पे खड़ी है. ऑल राइट, सो 48 feet अबव द वाटर लेवल, दैट मीन्स 48 इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी, जीरो. 8 T में टी की वैल्यू कितनी, जीरो, और के, तो के वहाँ पे इकलौता बचेगा, सो के की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 48 के इक्वल आ जाएगी. Got it everyone? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था, एंड ओनली 6 ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. लीडर बोर्ड देखते हैं क्या हाल है. तो वोट गोट, ओके, सो दैट्स आर क्रश, ग्रेट, एंड गुड लक. लीफ हमें नहीं मिल रही है, कहाँ पर है, बट लेट्स सी. सो वी हैव क्रश ऑन द फर्स्ट पोजीशन फास्टेस्ट, वी हैव ऋषिकेश, देन वी हैव जोहाना, वी हैव आदित्य, वी हैव नमन, देन वी हैव अर्थमैन, वी हैव लेट्स क्रैक इट, अंशिका ज्लैटिन एंड डॉक्टर ऑन द 10th पोजीशन आफ्टर दिस क्वेश्चन, राइट. मतलब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हर केस स्टडी के 5-5 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल, अगर वो वाटर इन द पूल को टच कर जाएगी तो उसका एज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाइट उसकी जीरो हो जाएगी. गेटिंग इट, के की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, K की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 48 H आपको जीरो मिल गया, -16 T² +8 T + 48 इक्वल्स टू जीरो आपको करना है. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, समझे. जीरो इक्वल्स टू -16 T² +8 T + 48 ये आपको करना है, जल्दी से करो, आंसर इट. एट वॉट टाइम विल शी टच द वॉटर इन द पूल, इफ शी इज अबाउट टू टच द वॉटर इन द पूल तो वहां पे हाइट उसकी जीरो हो जाएगी, हाइट उसकी जीरो हो जाएगी, के की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जीरो इज इक्वल्स टू -16 T² +8 T + 48. तो आप वहां से 8 कॉमन निकाल सकते हो, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो. अब टाइम अगर आपको चाहिए तो एक नेगेटिव आ रहा होगा, मे बी उसको आप लोग निग्लेक्ट करोगे, और 2 seconds यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 44%. मिसक्लिक हो गया, सो यहाँ पे हमारे वोट गोड का मिसक्लिक हो गया. आर्यन सिंह हमारी गुड लक लीफ के साथ आ चुके हैं, प्रयागराज ऑन द वेरी फर्स्ट पोजीशन, सो वी हैव ऋषिकेश ऑन द फर्स्ट पोजीशन, श्रेयांश ऑन द सेकंड, देन वी हैव नमन, वी हैव क्रिश, वी हैव आर्यन फास्टेस्ट, वी हैव जोहाना, वी हैव रौनक, वी हैव आदित्य, वी हैव भरत SR100, देन वी हैव शुभम ठाकरे OP बोलते ऑन द 10th पोजीशन. ग्रेट जॉब पीपल, आ जाओगे, टेंशन ना लो. थर्ड क्वेश्चन सेम केस स्टडी से है, थोड़ा सा दिमाग लगाना सब लोग. रीताज हाइट एंड फीट अबव द वॉटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल PDE विद जीरोस -1 and 2, देन PDE विल बी गिवन बाय, आपको ये बताना है कि अगर जीरोस ये दोनों है तो इनका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा. आपको आता है बनाना, प्लीज निकालो. जीरोस आपको गिवन है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, वही अरे बेट में आते हैं जो मुझे, अरे यार श्रेयांश, ओ सॉरी जयंत, answer it. Rita's height and feet above the water level is given by another polynomial PT with zeros as -1 and 2. Zero अगर आपको -1 or 2 given है तो आपको वहां से product of zeros, sum of zeros निकालना है, easily हो जाएगा, please try करना. सो यहाँ पे वी हैव 8 ऑफ यू हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर. हो सकता है कि आपका एग्जैक्टली 24 ना आ पा रहा हो, बट आप एनी हाउ उसके इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करके, और देख सकते हो कि इनमें से कौन सा आ रहा है. Uh,
ऑल राइट, सो हियर वी गो एंड लेट्स गो हेड ऑन द लीडर बोर्ड. सो लीडर बोर्ड पे कुछ ऐसा हाल है कि श्रेयांश का, नमक का, नमन का और रौनित का गलत हो गया है. सो वी हैव ऋषिकेश इन द फर्स्ट पोजीशन, कृष ऑन द सेकंड, आर्यन ऑन द थर्ड, देन वी हैव जोहाना. फास्टेस्ट फॉर द क्वेश्चन वी हैव भरत, वी हैव शुभम ठाकरे, वी हैव श्रेयांश, वी हैव नमन, वी हैव डॉक्टर एंड रौनित सिन्हा ऑन द 10th पोजीशन आफ्टर दिस क्वेश्चन. सस्ते गेम चेंजर क्वेश्चंस है. चलो फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम केस स्टडी बचा, लेट्स डू इट. सो सेम क्वेश्चन, अ पॉलीनोमियल क्यूटी विद सम ऑफ द जीरोस एज वन एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एज माइनस सिक्स इज मॉडलिंग अनुज हाइट. अनु कौन? अनु प्रिया मैम की हाइट यहाँ पे मेजर हो रही है इन फीट अबव द वॉटर एट एनी टाइम टी सेकेंड. देन क्यूटी की वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है. अगर उसके जैसा आपको नहीं मिल रहा है तो उसके जैसा इक्विवेलेंट ढूंढो. अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन नहीं मिल रहा है तो 2x² - 2x + 2 मिलेगा, या 3x² कुछ ऐसा मिलेगा, उसके फैक्टर्स की फॉर्म में मिलेगा. ये क्या हुआ? एवरीवन हैज वोटेड था क्या? एवरीवन हैज वोटेड आया था क्या? 10 ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. ग्रेट जॉब पीपल. सो लेट्स गेट अहेड ऑन द लीडर बोर्ड. दामिनी लीडर बोर्ड पे आ चुकी है. बड़े दिनों बाद ब्ला 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 हमारे पास आया सेशन में. तो यहाँ पे वी हैव ऋषिकेश ऑन द फर्स्ट पोजीशन फास्टेस्ट, वी हैव कृष, वी हैव आर्यन, वी हैव भरत, वी हैव शुभम, वी हैव श्रेयांश, नमन, ब्ला ब्ला ब्ला, जोहाना एंड दामिनी ऑन द 10th पोजीशन. द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस केस स्टडी. ऑलराइट, लेट्स सी कि क्या है. हाय विशाल, क्या रौनित आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा? बच्चा आप केस स्टडी भूल जाओ. अभी आप बस उतना ध्यान रखो कि आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है. आप पॉलिनोमियल बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, वो तो इजी काम है ना, वो करो सबसे पहले. The zeros of the polynomial are t, which is equals to minus 12t square plus k minus 3t plus 48 are negative of each other. Then k is... Okay, so here we go. Everyone has voted and 9 of you have given the correct answer, that is 3. Great job. So, इस बार देखते हैं कि किसने फास्टेस्ट आंसर दिया है हमें. अब बाकी बच्चों को पता क्या, स्टडी केस स्टडी स्टार्टिंग में ऐसा लगता नहीं हो रहा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस हो जाता है. तो टेंशन नहीं लेनी. ऋषिकेश ऑन द फर्स्ट पोजीशन, कृष ऑन द सेकंड फास्टेस्ट, देन वी हैव आर्यन, वी हैव भरत, वी हैव श्रेयांश, वी हैव शुभम, वी हैव नमन, वी हैव ब्ला ब्ला, वी हैव जोहाना एंड आदित्य रावत ऑन द 10th पोजीशन आफ्टर दिस क्वेश्चन. Okay, so this is the next case study which we are about to do. A hockey field is the playing surface for the game of hockey. Historically, the game was played on a natural turf grass, but nowadays it is predominantly played on an artificial turf. It is a rectangular in shape, 100 yards by 60 yards. Goal consists of two upright posts placed equidistant from the center of the back line, joined in the two by a horizontal cross bar. The inner edges of the post must be like 3.66 meter, 4 yards apart, and the lower edge of the cross bar must be 2.14 meter, 7 feet above the ground. Each team plays with 11 players in the field during the game, including a goalie. Position you must be, you might play include forward, midfield, full backs, goalie. All right, using the picture, hockey field aapka ye tha, theek hai. So this is the hockey field jo aapko yahan pe, ab aapko dekh ke bahut easily pata chal pa raha hoga ki ye aapke coordinate geometry se hai jo bhi aapki case study hai. ठीक है, got it. So ये आपका question है. Question पे चले everyone. Hi Piyush, hello. Shall we start with the question, people? Are you guys ready? करें इसकी question करें. Yes, चलो.
ऑल राइट, सो सिक्स क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल. सो सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ई एच जे. एक ट्रायंगल बन रहा है किससे, ई से, वेयर इज एच, एच एंड जे, ठीक है, ई एच जे, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका ई एच जे. इसका सेंट्रोइड आपसे पूछा है, वॉट विल बी द सेंट्रोइड ऑफ ई एच जे. आंसर इट. चयन कह रहा है मेरे तो ऊपर से गया मैम. दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस स्टडी बचा. एवरीवन हैज वोटेड एंड माइनस 2/3.1 बिल्कुल करेक्ट है. आपको वहां पे एक आई पॉइंट दिख रहा था जो कि इनका सेंटर में था, दैट वाज द सेंटर पॉइंट, बिल्कुल राइट. सो हियर वी गेट, ऋषिकेश का ये गलत हो गया, तो यहाँ पे सिंगलिशियस लीडर बोर्ड पे आ गए हैं. सो वी हैव नाउ क्रश अगेन ऑन द फर्स्ट पोजीशन, ऋषिकेश सेकंड पे है, आर्यन, देन वी हैव भारत, वी हैव श्रेयांश, वी हैव शुभम, वी हैव नमन, वी हैव ब्लाब्ला, सिंगलिशियस फास्टेस्ट एंड जोहाना ऑन द 10th पोजीशन. बस यही डायग्राम बचाएगा मुझे. सेवेंथ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सेवेंथ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट एन इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड जी सच दैट ए पी एंड जी आर इन अ स्ट्रेट लाइन, देन द पोजीशन ऑफ पी विल बी गिवन बाय. अगर यहाँ पे एक प्लेयर है पी नीड्स टू बी एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी, वेयर इज ए, ए ये रहा और जी ये रहा, तो ए के पॉइंट्स निकालो, जी के पॉइंट्स निकालो, फिर उसका मिड पॉइंट निकालना है, बस इतना काम करना है. ए के कोऑर्डिनेट्स देखो, जी के कोऑर्डिनेट्स देखो और आपको मिड पॉइंट निकालना है उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का, बस. आपको ए और जी का जो है मिड पॉइंट निकालना है, दैट्स इट. हार्ड हार्ड नहीं तू. ओके, ये आपके, अच्छा कुछ नहीं रोनित, इजी है बच्चा, आपको मिड पॉइंट निकालना है ए और जी का, बस और कुछ भी नहीं करना. एंड एट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, ग्रेट जॉब. यस शुभम, सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट जॉब. सो यहाँ पे वॉटरलू गेम्स, हो ए नहीं है बच्चा, सी इज द करेक्ट आंसर. तो वॉटरलू गेम्स आपका नाम क्या था मैं भूल गई. सो वी हैव क्रश ऑन द फर्स्ट पोजीशन फास्टेस्ट, देन वी हैव आर्यन, वी हैव ऋषिकेश, वी हैव श्रेयांश, वी हैव शुभम, वी हैव भरत, वी हैव नमन, वी हैव ब्लाब्ला, सिंगलिशियस एंड जोहाना ऑन द 10th पोजीशन. ग्रेट जॉब पीपल. सो यहाँ पे 8th क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द 8th क्वेश्चन. The point on x-axis equidistant from I and E is, x-axis पे ऐसा point जो कि I और E से equidistant पे है, I ये रहा, E ये रहा, इससे equidistant पे x-axis पे ऐसा point आपको चाहिए, बताओ क्या होगा. Answer it. आर्यन आर्यन, अच्छा आप ही आर्यन हो, ओहो ओहो, मेरे को लगा इतना आर्यन 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 कैसे स्पैम हो गया. आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, इट वॉज वेरी नाइस, थैंक यू फॉर आस्किंग. हाउ वॉज योर्स, आप सबका कैसा था. So here we have 11 of you have given the correct answer. Great job people, great job. So proud. Ma'am, सारे options गलत है, नहीं जयन, सारे नहीं गलत है बच्चा. तो यहाँ पे हमारे पास नमन का और स्ट्रिंगलिशियस का गलत हो गया. Great. Stringlicious is Devyani. So we have Krish on the first position, Aryan on the second, then we have Shreyansh, we have Rishikesh, we have Shubham, Bharat, Naman, Johanna, blah blah, and Stringlicious on the 10th position. Coordinate geometry is hard for a lot of people. तो मैं सोच रही हूँ कि plus पे सबसे पहले trigo के साथ coordinate ही ले लूँ, ताकि आप लोगों का T थोड़ा डर खत्म हो जो plus पे हो. सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, रेशियो गिवन है डिस्टेंसेस के बीच में कि ट्वाइस है,
सेक्शन फॉर्मूला लगाओ कि बहुत इजीली हो जाएगा, प्लीज। जल्दी से आंसर करो। जल्दी से आंसर करो। वॉट आर द कोऑर्डिनेट्स? तो यहाँ पे मिक्सड आंसर आया है, बट 0.1 इज द करेक्ट आंसर एंड 7 ऑफ यू। हाँ जी शिवू मैम। हाँ युवराज बोलो बच्चा, क्या हुआ? सुबह 8 बजे से सिर्फ क्लास थी, बहुत खराब दिन था। अरे रे ऋषिकेश तुम एग्जाम देना। मैम मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? मॉड एक्स कहाँ से आ गया अभी से तुम्हारा? वैसे युवराज कहाँ पढ़ रहे हो तुम मॉड्यूलस एक्स, बताना सरा। सो क्रिश ऑन द फास्टेस्ट फर्स्ट पोजीशन, आर्यन ऑन द सेकंड, श्रेयांश ऑन द थर्ड, देन वी हैव शुभम, वी हैव भरत, वी हैव ऋषिकेश, वी हैव नमन, वी हैव जोहाना, आदित्य एंड ब्ला ब्ला ऑन द 10th पोजीशन। मॉड एक्स आया कहाँ पे वैसे, पहले ये बताना जरा बच्चा मुझे, कहाँ यूज हो रहा है आपका मॉड एक्स लाइफ में अभी से? स्ट्रेट ऐसा वी टाइप ग्राफ बनेगा, मॉड एक्स का हमेशा वी टाइप ग्राफ बनेगा। सो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट केस स्टडी, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। वाई एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जो कि बी और सी से इक्विडिस्टेंट पे है। बी इज दिस पॉइंट, सी इज दिस पॉइंट, तो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे वाई एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए। बहुत ईजी है, नो स्पैमिंग प्लीज। हाय मंजू, हेलो। डी 0.1, ओके 0.1, लेट्स सी कितने क्वेश्चंस हैं शुभम। इन टोटल वी विल बी डूइंग 4 केस स्टडीज, सो 20 क्वेश्चंस आर देयर। 4 केस स्टडी करेंगे, हर एक केस स्टडी के 5 5 क्वेश्चंस हैं, तो इन टोटल आपके पास 20 क्वेश्चंस, मतलब 10 मोर। All right. So the point on the y-axis equidistant from B and C. Hi. मैम ब्ला 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 मैं हूँ, सच बोलूँ अगर क्या करूँ, एक क्वेश्चन था लगाया तो ये सब लिख गया। नहीं ये आप नहीं हो, ये तो एक बच्चा जो बहुत पहले से हमारे पास आ रहा है सेशन में, तो 0.1 इज द करेक्ट आंसर। नहीं ये कोई और है, ये आप नहीं हो जयंत, ये कोई और है। सो हियर वी हैव क्रिश ऑन द फर्स्ट पोजीशन, आर्यन ऑन द सेकंड फास्टेस्ट, देन वी हैव श्रेयांश, वी हैव शुभम, वी हैव भरत, वी हैव ऋषिकेश, वी हैव नमन, वी हैव ब्ला ब्ला जोहाना एंड दामिनी। दो ये जो अभी तक हमने केस स्टडी सॉल्व की है, दैट वाज फ्रॉम योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर। नाउ दो जो केस स्टडी हम लोग सॉल्व करेंगे, दोज आर फ्रॉम समवेयर एल्स। ऑल राइट, सो अब इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेना, ठीक है? ओके, फॉर द बॉक्स, ये एक बड़ा फैंटेसाइजिंग सा बॉक्स है, खाली बॉक्स है। सो फॉर द बॉक्स टू सेटिस्फाई सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, इट्स लेंथ मस्ट बी 3 मीटर्स ग्रेटर देन द विड्थ एंड इट्स हाइट मस्ट बी 2 मीटर्स लेसर देन द विड्थ। तो प्लीज इससे आप अपने इक्वेशंस, अपने पॉलिनोमियल्स, अपनी एक्सप्रेशन बना लें अभी के अभी कि फॉर अ बॉक्स टू सेटिस्फाई अ सर्टेन रिक्वायरमेंट, उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, और उसकी हाइट जो है वो 2 मीटर कम है उसकी विड्थ से। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये आरडी में है वो मुझे नहीं पता, ठीक है? सो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं अब। लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी 3, राइट? लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर वे पीपल। हाय हेलो। If width is taken as x, which of the following polynomial represents the volume of the box? अगर आप width को x ले लेते हो तो इनमें से कौन सा polynomial आपके जो है volume को represent करेगा box के? Hi Adil, hello.
आपको पता है कि अगर आपकी लेंथ जो है वो 3 मीटर्स ग्रेटर देन द विड्थ और हाइट 2 मीटर्स लेस देन द विड्थ है, तो आप उन तीनों को, वॉल्यूम क्या होगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आप लेंथ को इंटू ब्रेथ को इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. स्टडी कॉर्नर, कैन यू प्लीज स्टॉप स्पैमिंग इनअप्रोप्रिएट थिंग्स, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू. हाँ जी, युवराज वी जैसा बनेगा, वी जैसा बनेगा. सो हियर वी हैव एन x³ + x² + 6x. ये कैसा, ये क्या बात हुई. इफ विड्थ इज टेकन एज एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन. ओके ओके, गिव मी अ सेकेंड. ऑल राइट, सो 8 ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर एंड लेट्स गो हेड ऑन द लीडर बोर्ड. तो आदित्य यहाँ पे लीडर बोर्ड पे आ चुके हैं इस क्वेश्चन के बाद. आर्यन का ये गलत हो गया है. सो हेयर वी हैव क्रिश ऑन द फर्स्ट पोजिशन, देन वी हैव श्रेयांश फास्टेस्ट ऑन द सेकेंड, वी हैव आर्यन, वी हैव शुभम, वी हैव भरत, वी हैव ऋषिकेश, वी हैव नमन, वी हैव ब्ला ब्ला, वी हैव आदित्य एंड जोहाना ऑन द 10th पोजिशन. ब्ला ब्ला आप ही हो. ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, वेयर डज दिस पीपल कम फ्रॉम, आई डोंट नो. इतना स्पैमिंग इन अप्रोप्रिएट स्टफ. 12th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल, लेट्स डू इट. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पेपर शीट यूज्ड टू मेक द बॉक्स, एरिया ऑफ द पेपर शीट यूज्ड टू मेक द बॉक्स. हाँ जी बोलो सपना, यस प्लीज गो अहेड. What happened? हाँ स्वामी जी बोलो बच्चा. स्पीकर स्पीकर व्हाट्स रॉन्ग बोलो. बताइए क्या हुआ. हाँ स्पेशल क्लास है सौम्य जीत, स्पेशल क्लास है आपका 8:30 बजे स्टार्ट्स की. छोटा सा सेशन होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. हाँ जी स्पेशल क्लास है. हाँ जी बोलो. सो यहाँ पे टाइम इज अप एंड ओके, 8 ऑफ यू सेड बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर. ग्रेट जॉब एवरीवन, ग्रेट जॉब. सो यहाँ पे क्रिश का, श्रेयांश का, आर्यन का, शुभम का, ऋषिकेश, नमन एंड ब्ला ब्ला इन सबका करेक्ट है. सो वी हैव क्रिश ऑन द फर्स्ट पोजीशन, शिपू मैम का प्यारा प्यारा परा, एंड देन वी हैव श्रेयांश ऑन द सेकंड पोजीशन, शुभम ठाकरे ओपी बोलते हैं ऑन थर्ड पोजीशन. फास्टेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव अरविंद सिंह फ्रॉम प्रयागराज नगरी, पूरा हम कर देते हैं इसे. देन वी हैव ऋषिकेश, वी हैव भरत SR 100, देन वी हैव नमन सिंगला, देन वी हैव ब्ला ब्ला, आदित्य रावत एंड जहाना ऑन द 10th पोजीशन. ग्रेट जॉब पीपल, ग्रेट जॉब. ओके सो 13th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल, लेट्स स्टार्ट विद इट. 13th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इफ इट मस्ट हैव अ वॉल्यूम ऑफ 18 यूनिट, व्हाट मस्ट बी इट्स लेंथ. अगर इसकी वॉल्यूम जो है वो 18 यूनिट्स होती तो उसकी लेंथ जो है वो क्या होती. हाय रियांश हेलो. सो इफ इट मस्ट हैव अ वॉल्यूम ऑफ 18 यूनिट्स, व्हाट मस्ट बी इट्स लेंथ. हाय दीपा हेलो, हाय. आपको नहीं मिल रहा, आपको क्या नहीं मिल रहा, स्पेशल क्लास शो नहीं हो रही. आई सेंड द लिंक, मैं लिंक भेज दूंगी इस सेशन के बाद, डोंट वरी. ठीक है
सो इफ इट मस्ट हैव अ वॉल्यूम ऑफ 18 यूनिट्स, व्हाट मस्ट बी इट्स लेंथ, उसकी लेंथ कितनी होगी? सो यहाँ पे 8 ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. सो व्हाट्स अप ऑल गर्ल, व्हाट्स पोजीशन श्रेयांश ऑन द सेकंड? वी हैव शुभम फास्टेस्ट फॉर द क्वेश्चन, वी हैव आर्यन, वी हैव ऋषिकेश, वी हैव भरत. इज इट बफरिंग? अभी ठीक है, आई गेस अभी ठीक है. इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, रुको 15th करते हैं, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस केस स्टडी, इसके बाद एक लास्ट केस स्टडी आपके पास जो है वो बचेगी, ठीक है. अभी ठीक है, अभी भी लैग कर रहा है. चलो जल्दी से आंसर करो, अभी भी लैग कर रहा है. सो सेवन ऑफ यू हैव गिवन, we have Rishikesh, we have Bharat, we have Damini and the hustler works and 2 pence for rupees 80. His friend Ramesh said that the price rupees, then 3 notebooks for 50. All right. Another friend Amar felt that 2.50 for one pen was too little. It should be at least rupees 16. Then the price of each notebook would also paid 110 for 4 notebooks and 3 pence. ऑल राइट. तो यहाँ पे आपके पास दो तो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, एक तो 3 notebook 2 pence का कॉस्ट 80 है और एक 4 notebooks और 3 pence का कॉस्ट 110 है. ये दो तो लीनियर इक्वेशंस से आप सबसे पहला काम करो कि x और y की वैल्यू निकाल लो, और जब आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको सॉल्व करने में ये काफ़ी ईजी हो जाएगा. बाय बाय जया. ओके ठीक है, तो आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ताकि आपका आंसर आ जाए.